तुमने थप्पड़ भी खा ली, तुमने मार भी खा ली। नहीं, हम बैठे हुए थे वहाँ पे अभी, ठीक है, मेरे को फिर डंडी मारी उसने। मैंने कहा ऐसे ही, मैंने कहा लड़ाई हो गई आपस में, काशिप की और इसकी लड़ाई हो गई। उसने वहाँ से डंडा उठाया और उसने उसके सर पे मारा। कहते हैं फुप्पी भतीजी एक साथ, इसी तरह चचा भतीजा भी एक साथ ही होते हैं। बाप के बाद अगर बच्चे के सबसे करीब कोई होता है तो वो चचा ही होता है, जो भतीजे का सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता भी होता है और पहला दोस्त भी। ये मोहब्बत भरा सांस जिंदगी की पहली सांस से लेकर आखिरी कदम तक चलता है, लेकिन कभी मामूली से खानदानी तनाजात इन प्यारे प्यारे रिश्तों को खा जाते हैं, तो कभी जवानी का जोश होश खोते हुए इन रिश्तों का एहतराम करना भूल जाता है। छोटी छोटी रंजिशें बड़ी बड़ी दुश्मनियों में तब्दील हो जाती हैं और जान छड़कने वाले जान लेने पर तुल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। टीम अंजाम अपने कई प्रोग्राम्स में बारह बार अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रवैये की तरफ तवज्जो दिला चुकी है और ये बातें कुछ नई नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और अक्सर औकात यही फ्रस्ट्रेशन जो है एक इंतहाई रवैये का सबब भी बन जाती है। आज के प्रोग्राम में हम आपके नौजवान से जिसने अपने सगे चचा को डंडे मारकर कत्ल कर दिया, उसने ये कत्ल क्यों किया यही मैं अभी जानूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं SHO बलोच कॉलोनी थाना नवेद सोमरो साहब। एक चचा ने अपने प्यारे भतीजे को सिगरेट नोशी जैसी बुरी आदत तर्क करने को कहा तो भतीजे ने तैश में आकर चचा का सर ही फाड़ दिया। मजलूम चचा 25 दिन तक मौत और जिंदगी की अजियतनाक कश्मकश में मुब्तला रहा और फिर बिलाखिर अपनी सांसें ही हार गया। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएगा कि काशिफ नामी एक मुल्ज़िम है और उसने अपने सगे चचा को इंतहाई बेदर्दी के साथ डंडे मार के कत्ल कर दिया, तो सर क्या मुहरकात बने इस कत्ल के पीछे? मेरे पास जो मतूफी हैं उनके साले मेरे पास आए और उन्होंने हमें बताया हमारे जो दूल्हे भाई थे उनका इंतकाल हो गया है, उनको हमने दफना दिया, लेकिन हमें शक है कि उनका मर्डर किया गया है। उनसे बात हुई, उसके बाद फिर हमने कुछ अपने अफसर डिप्यूट किए कि आप मालूमात करें जाके मोहल्ले से भी, और अगर उनको चोट लगी, उन्होंने बताया कि इनको चोट सर पे चोट लगी है, तो सबसे पहले हम जिना हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मिले, वहाँ पे ML चेक की, लेकिन वहाँ पे ML भी नहीं रिकॉर्ड में थी। उसके बाद नहीं पोस्टमार्टम कराया गया उनका। जब ये हालात वाकियात हमें पता चले और फिर मोहल्ले वालों ने बताया कि इनको तो चोट लगी थी सर पे, तो फिर इनकी इनको जो मालूमात हुई कि इनके अपने भतीजे ने इनको डंडे मारे हैं, इस पे फिर हमने फौरी तौर पे FIR लॉन्च की। FIR करने के बाद फिर बड़ी टेक्निकल तरीके से, क्योंकि ये भी कराची से चले गए थे, तो इन्होंने अपने चचा को सिगरेट पीने से मना करने पर कत्ल किया। देखिए अभी बाहर तो ये यही बता रहे हैं। अच्छा, और सर ये जो इसके साथ जो एक और जो दूसरा मुल्ज़िम जो गिरफ्तार हुआ है जो कि काशिफ का दोस्त है, उसका इस बुरे वाक़े में क्या किरदार है? देखें ये उनके साथ था, शरीके जुर्म कह सकते हैं, अभी तफ्तीश चल रही है, इसके स्टेटमेंट ले रहे हैं, ये वहाँ पे मौजूद था और दोनों फिर वहाँ से जब वो जख्मी हुए तो दोनों वहाँ से भाग गए। अच्छा, और सर आपने मुझे ये बताया कि इन्होंने बाद में उनका फिर इलाज भी करवाया। बिल्कुल इलाज कराते हैं। ये जो काशिफ मुल्ज़िम जो काशिफ है उसके वालिद भी उसी टाइम इन्हीं के साथ रह रहे थे? नहीं, वो उनका घर अलग है, कारखाने में सिर्फ ये भतीजा और चचा रहते। जैसे जख्मी हुए तो काशिफ का बड़ा भाई और इसके वालिद उसको लेके जिला हॉस्पिटल गए और वहाँ पे इलाज करा था। अच्छा, और उस टाइम भी इन्होंने कुछ सच नहीं बताया? नहीं, उस वक्त तो छुपाते रहे तमाम चीज़ें, ये अच्छा। ये पूरा वकूल उन्होंने छुपा दिया था। अच्छा, इसके वालिद ने भी छुपाया? जी हाँ, पूरी फैमिली ने छुपाया, क्योंकि इसके हाथ में डंडा था जब ये वहाँ से वापस भागे वहाँ से, तो लोगों ने देखा भी है इसको। ठीक है, तो ठीक है, मतलब ये पूरी असल कहानी है कि अच्छा इसकी बॉटम लाइन यहाँ पे ये निकली है कि झगड़ा जो है सिगरेट पीने से मना किया गया, तभी जो है मुल्ज़िम काशिफ ने तैश में आके अपने चचा के सर पर डंडे बरसा दिए और तकरीबन 20-25 दिन वो रहे जिंदगी और मौत की कश्मकश। जी हाँ, 21 साल का वकूआ है
और 16-7 को इनकी डेथ हुई। अच्छा ठीक है, 16-8 को, 16-8 को डेथ हुई, मतलब यानी कि ऑलमोस्ट 20-25 दिन। ठीक है, और 20-25 दिन के बाद जो है इनके चचा का इंतकाल हो गया, और इब्तदाई तौर पे ये लोग उसको एक हादसे का रंग देते रहे। और लेकिन यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू इस पूरे वाक़े का ये है कि यहाँ पर मुलज़िम काशिफ का जो वालिद है, यानी कि ऑफकोर्स उनके तो भाई को जो है ज़ख्मी किया उनके बेटे ने, उन्होंने भी जो है इस तमाम तर मामले को छुपाया। चचा की मौत ने न सिर्फ भतीजे काशिफ को खौफजदा कर दिया, बल्कि उसके वालिद यानी के मकतूल के भाई को भी अपने बेटे की जान बचाने की फिक्र में मुब्तला कर दिया। इस तरह एक भाई अपने सगे भाई की मौत को भुलाकर बेटे के जुर्म की पर्दादारी करता रहा। और अब मेरे साथ मौजूद हैं बलोच कॉलोनी थाने के SIU इरशाद अहमद अराई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। तो सर ये असल कहानी क्या है, आपने जो अभी तक जो तफ्तीश की है इन दोनों मुलजमान से, क्या अभी तक इन दोनों का कहना है? ये 19-8 को मुदैया जो है उसने FIR दर्ज कराई है थाना बलोच कॉलोनी में, तो उसने अपनी रिपोर्ट में ये तहरीर करवाया कि जी मेरे भतीजे आसफ ने कराची से फ़ोन करके बताया था कि चाचा के सर पे ब्लॉक लग गया है और वो ज़ख्मी होकर जनरल अस्पताल में जो इलाज है, तो वो 22 तारीख को शाम 4-5 बजे वहाँ पहुँची, तो वहाँ पे भी इनके रिश्तेदार वगैरह जो मुल्ज़िम है इसके भाई वगैरह वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने इस चीज़ को छुपाया है बिल्कुल। और फर्स्ट डे उन्होंने ML भी नहीं कटवाया वहाँ पर, ML नहीं कटवाया, डायरेक्ट ले जाके इसको वार्ड नंबर 18 में इसको एडमिट करा दिया है। और 24 तारीख को इसकी डेथ होगी दवाने राज मुआवजा, और उसके बाद भी कोई यहाँ थाने की गुजारता की कार्रवाई, कोई इतला, कोई ML होगी एंट्री, कुछ भी नहीं हुई। वहाँ जाके इसको दफना दिया अपने भाई गांव में डिग्री के पास, इनका गांव है चक नंबर 190। उसके बाद इसका जो भांजा है नसीर, वो नसीर ने फिर अपनी इनको बताया कि जी काशिफ ने इसको जो मारा है दादे दिन मारा है इसको, तो फिर उन्होंने थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो तफ्तीश हमें मिली, तो तफ्तीश के दौरान हमने अपने तौर पे जो है एविडेंस वगैरह भी इकट्ठी की, फिर मुलजमान को गिरफ्तार किया है। तो मुलजम ने फिर इकरार किया कि जी वकुआ की रात 11 बजे कारखाने के अंदर मैं और मेरा दोस्त अजीत उर्फ उस्मान मौजूद थे, तो चाचा ने मुझे वो चर्स पीने से डांड डबट की तलख पानी हो गई, तो कारखाने में लकड़ी का डंडा पड़ा था वो मैंने उठा के इसके सर पे मारा। अच्छा। तो उससे पहले जो वो ब्लाक वाला मसला था, वो बोला मेरे भाई आसफ और दीगर जो रिश्तेदार थे उन्होंने फैलाया था कि ये बकुआ जो है इसको छुपाया जाए, मतलब उन्होंने इसको हादसे का रंग दिया, हादसे का रंग दिया कि ये हादसा हो गया है। सर वो डंडा बरामद हुआ? डंडा बरामद हो गया। ठीक है, और सर जो जाए वकुआ जो आप लोग जो देख कर आए वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, और अहले मोहल्ला ने आप लोगों का? अहले मोहल्ला सारे यही कह रहे हैं कि रात 11 बजे वो जो इर्द गिर्द के लोग थे वो अगर हम भाग के गए अंदर, तो वहाँ पे उसको खून बह रहा था सर पे, और वो नीचे जो है बैठ गया था, और इसके हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, और दूसरा लड़का जो है अनीक उस्मान वो पास खड़ा हुआ था। तो सर ये भागा तो नहीं था वहाँ से? नहीं, ये चला गया था, ये इंटीग्रेशन चला गया था। अच्छा, यहाँ बुलवाया फिर यहाँ इलाके से अरेस्ट किया इसको। अच्छा सही। नहीं, हम बैठे हुए थे वहाँ पे अभी, ठीक है, मेरे को फिर डंडी मारी उसने यहाँ पे। मौत की दहलीज तक छोड़ के आया है, और उस बेचारे चचा का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अपने भतीजे को गलत राह पर चलने से रोकना चाहता था। कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 साल। और कहाँ के रहने वाले हो? मीरपुर खास। और कराची कब आए हो? 10 साल हो। अच्छा, कराची में क्या काम करते हो? फर्नीचर का। फर्नीचर का काम करते हो, और महीने के कितने पैसे कमा लेते थे? महीने के कमा लेते 24-25 हज़ार। और यहाँ पे कराची में किसके साथ रहते थे? चाचू की फैमिली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी उम्र अभी 24 साल है, तुम्हारे ये वाले जो चचा हैं जो कि मीरपुर खास से यहाँ पर आए हुए थे, इनको कितना अर्सा हो गया था कराची आए हुए? बहुत टाइम हो गया था। जिस दिन ये तमाम तर वाक़ा पेश आया उस दिन क्या हुआ था? हम बैठे हुए थे सोफे पे, ठीक है, सिगरेट पी रहे थे। कौन सी सिगरेट थी? चरस थी, अभी पी भी नहीं रहे थे, वैसे ही बैठे थे। चाचू हमारा सोया हुआ था, उठ के आया, उसने हमारे को बोला यहाँ से उठ जाओ। मैं बोला चाचू हम बैठे हुए, हम चले जाएंगे, तेरे को कुछ बोल तो नहीं रहे। तो फिर मेरे को गालियाँ देने लग गया बहुत ज़्यादा, ऐसी ऐसी गालियाँ दी मेरे को, बहुत गंदी गंदी है। मैंने हाथ भी जोड़े, मैंने बोला चाचा हम बड़े हो चले जाओ, ठीक है, तो पाँव भी पकड़े, बोला नहीं आप उठो। मैंने बोला चाचू हाथ पाँव तुमने किसके क्यों जोड़े?
कि चाचा तुम बड़े हो चले जाओ, हम चले जाएंगे, हम 5-10 मिनट के लिए बैठे हैं। अपनी बेचारगी का झूठा रोने वाले इस्तफाक दरिंदे ने ना तो अपने चाचा को जीते जी बख्शा और ना ही उन्हें कत्ल करने के बाद। ये आज भी ढिठाई से अपना दामन बचा के सारा इल्जाम अपने चाचा के सर पर ही थोप रहा है। नहीं मतलब तुम्हें इस बात की तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी या इस बात से तुम्हें कोई शर्म नहीं हो रही कि चलो चाचे का मुकाम तो जो है एक बाप की जगह है? बिल्कुल, अपने बाप के सामने तुम चर्च के सिगरेट पीते? हम पी नहीं रहे थे। नहीं पी तो रहे थे तुम, अभी तो मुझे थोड़ी देर पहले सामने बताया। हम अपने बाप के सामने तुम चर्च के सिगरेट भरते हो? नहीं नहीं की नहीं। तो चाचा भी तुम्हें बाप की जगह पर? जी बिल्कुल। अगर उसने तुम्हें मना कर दिया तो तुम वहां से ले जाते? उसने हमें मना नहीं किया था, आते सार गाली गलौज कर लग गया था। अभी तो तुमने कहा, तुम्हारे चाचा ने तुमसे कहा कि उठो यहाँ से चले जाओ। उठो चले, ये नहीं बोल रहा था ना कि आप चरस नहीं पियो यहाँ से, मेरे को इस वजह से बोल रहा यहाँ से उठ के चले जाओ। फिर तो फिर मेरे को हमने बोला चाचा हम 5 मिनट बैठे हैं चले जाएंगे, बोला नहीं, फिर मेरे को गालियाँ देने लग गया। ठीक है, तेरे को सिगरेट से परेशानी है, हम नहीं पियेंगे, हम बाहर चले जाएंगे पीने के लिए, हमारे को बनाने हैं खाली। अच्छा तुम लोग वहाँ बैठ के सिगरेट बना रहे थे? जी बना रहे थे, अभी पी भी नहीं थी, खाली बना रहे थे, बनानी शुरू भी नहीं की थी। अच्छा जी, एक बात कर लो ना, या बना रहे थे या बना ली थी या बनानी शुरू भी नहीं? ठीक, तो फिर मेरे को फिर गालियाँ देने लगा, फिर मेरे को मारा, 2-3 चपाटे मारी। अच्छा। फिर चप्पल उतार के 2-3 मेरे को मारी, मैंने फिर भी हाथ जोड़े, मैंने बोला चाचा आप चले जाओ, आप बड़े हो मेरे से, मेरे बाप। तो तुम क्यों वहाँ से नहीं गए? हम चले जाते। नहीं तुमने, तुम बकौल तुम्हारे तुमने थप्पड़ भी खा लिए, तुमने उनसे तुमने चप्पल से भी तुमने मार खा ली, तो फिर भी तुम वहाँ पर खड़े रहे? हम चले जाते वहाँ से, पर वो जाने हम जाने लगे, फिर हमारे को पकड़ लिया, बोला नहीं। बार बार अपना बयान बदलता ये शख्स फैसला नहीं कर पा रहा कि ये अपने झूठ पर किस तरह कायम रहे। बस एक ही बात पर इसकी तवज्जो है कि ये हट्टा कट्टा नौजवान मजलूमियत से पिटता रहा और इसका बूढ़ा लागर चचा इसे बुरी तरह मारता रहा। अच्छा तुमने थप्पड़ भी खा ली, तुमने मार भी खा ली, तुम जाने लगे थे तो भाई चाचा ने तुम्हें फिर रोक लिया कि बेटा भी रुक जाओ, अभी मार पूरी नहीं हुई? नहीं, हम बैठे हुए थे वहाँ पे अभी। ठीक है, मेरे को फिर डंडी मारी उसने यहाँ पे। पहले ये सोच लो कि पहले तुमने मारा या उसने मारा? उसने मेरे को पहले 2-3 दफा मारा था। अच्छा। मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, मैं ऐसे हाथ बांध के बैठा हुआ था। अच्छा। जी मेरे को फिर डंडी रख के यहाँ पे ऐसे दबाने लग गया, मैंने फिर बोला चाचा आप बड़े हो चले जाओ, पर नहीं गया। तुम क्यों नहीं गए? हम चले जाते। तो इतनी मार खाने के बावजूद तुम कह रहे हम चले जाते, अगर इतनी तुमने मार खाई ली बकौल तुम्हारे तो तुम चले जाते? हम उसको फिर वो मारने लग गया ना मेरे को, बहुत ज्यादा मारने मार खाने, तो तुम इतने अच्छे तो मार खाते रहे, तो फिर गाली उसने मेरे को इतनी दी। मेरे को जाहिर बात है इंसान है हम, मेरे को भी गुस्सा आएगा। हम चले जाते मैडम वहाँ से, चले जाते। कितनी देर बाद जाते? सिगरेट पीना शुरू कर दी? सिगरेट हम उसने बोला कि हम वैसे ही बैठे हुए हम नहीं पीते सिगरेट, हमने ये भी बोला कि हम चल वैसे ही बैठे हुए हम नहीं पीते सिगरेट, हम बाहर चले जाएंगे, चल वैसे ही बैठे हुए वैसे ही बैठने दे, बोला नहीं तुम उठो अभी जाओ। फिर मैंने हाथ जोड़े चाचू आप चले जाओ, फिर उसने मेरे को मारा, चप्पल उतार के फिर मारी। ठीक है, फिर आप इंसान है, गालियाँ दे रहा था, मेरे पास भी डंडी थी, मैंने भी मार दी। क्या कह रहे हो? मेरे पास भी डंडी थी, मैंने भी। तुम्हारे पास डंडी क्यों थी? डंडी थी, डंडा था? डंडा था समझे, छोटा, इतना बड़ा भी नहीं था। ठीक है, मेरे को हाथ में आया, मैंने भी मारा। पहले उससे तुम्हें डंडे से मारा? जी पहले उसने मेरे को यहाँ पे रख के दबाया 2-3 दफा जोर जोर। जी ठीक है, फिर उसने मेरे को आखिर गुस्सा आएगा इंसान को, मैंने भी फिर मारा, मेरे को क्या पता था उसको लग जाएगी। अच्छा तुमने कहाँ मारा उसको? अच्छा इतना गुस्सा तुम्हें क्यों आया कि तुम्हारे पास? अच्छा तुम्हारे पास डंडा कर क्या रहा था? वही लकड़ी कारखाना था। अच्छा लकड़ी का कारखाना था, फर्नीचर का काम करते थे ना तुम तो? अच्छा तो वो कितना बड़ा डंडा था? वो छोटा सा था, इतना सा था। अच्छा और तुमने उसको कितनी दफा मारा? एक ही दफा मारा था मैडम। अच्छा एक ही दफा मारा? जी एक ही दफा। एक ही दफा तुमने इतनी जोर का मार दिया? इतनी जोर से नहीं मारा था मैडम, मुझे क्या पता था इसको जोर से। तुम तो क्योंकि उस टाइम तो तुम खुद अपने एक नशे में तुम मदहोश थे, तुम्हें क्या पता जोर से मारा था कि नहीं मैडम? इतनी जोर से भी नहीं मारा। कितनी जोर से मारा था? थोड़ी जोर से मारा था। कितनी जोर से? अब कैसे बताऊं, मतलब है भी ना कोई तो आइडिया होगा, मतलब तुम एक 24 साल के तुम नौजवान आदमी, तुम्हारे चाचा की क्या उम्र थी? 54-55 साल। चलो 54-55 साल का आदमी तो कम से कम बुढ़ा ही होता है ना, तो उसके अंदर शायद इतनी कुवत तो नहीं होती होगी कि वो मार बर्दाश्त कर सके, और तुम 24 साल के हो, चलो दिखने में तुम दुबले पतले हो लेकिन हो गए तो तुम ताकतवर ही, तुमने मार दिया देख घुमाकर ऐसे क्या?
खून निकल रहा था जी, खून निकल रहा था, फिर खुद कपड़ा रखा है, फिर खुद गया गेट के बाहर, फिर दूसरे कज़न आए मेरे, वो लेके गए उसको हॉस्पिटल। कुछ भी हमने उसको बोला, डॉक्टर के पास चले जाए, बोला कोई बात नहीं इतना ज़्यादा ज़ख्म नहीं, नहीं जा रहा। हमने फिर उसको जोरी भेजा। अच्छा, डंडा मारने के बाद तुमने इतनी तुमने शदीद हमदर्दी दिखाई कि तुमने चाचा को बोला, चाचा चलो अब तो मैंने डंडा मार दिया, अब चलो अब अस्पताल चलते हैं। तुमने सबसे पहले किसको आके बताया कि तुमसे ये काम हुआ है? उधर ही सारे आए थे, कजन भी थे, मोहल्लेदार भी थे। तुमने क्या बोला उन लोगों को? कुछ भी नहीं, मैंने वो खुद बोला कि मेरे को लग गई है, ले गए। किसने बोला ये? जी मैंने। क्या बोला तुमने? डंडी लग गई। किससे लगी? तुमने लगा बोला ये? जी। अच्छा, ये फिर चाचा की फैमिली को किसने कहा कि तुम्हारा चाचा जो है काम करते हुए छत से गिर गया है? मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं इस चीज का नहीं पता। चाचा की मामूली डांट डपट इस बेहिस और नशे में धुत शख्स की अना पर इस कदर असरअंदाज हुई कि इसके बदले में उसने 55 साल बूढ़े के सर पर डंडे बरसा दिए और जब खून के फवारे फूट पड़े तो उन्हें अस्पताल पहुंचाने की जहमत तक गवारा नहीं की। अस्पताल कौन लेके गया उसको? सारे कजन वजन थे। तुम गए थे साथ? जी नहीं, मैं नहीं। तुम क्यों नहीं गए? उस टाइम नहीं गया। वो तुम फिर बाद में गए थे मिलने? जी बाद में। उनकी बाद में क्या हालत थी? सही थे। सही थे तो मर कैसे गए? तो तुम ये बात तो तुम पक्के हो कि तुमने ये नहीं बोला कि ये जो है छत से गिर गए? जी मैंने नहीं बोला। किसने बोला ये? मुझे नहीं लगा मुझसे इसका मैं। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वाकई इस वजह से तुमने उसको कत्ल किया या कोई और भी वजह थी? कुछ भी वजह नहीं थी, मेरे को क्या पता था उसको लग जाएगी चोट, वैसे हो जाएगा। मुझको इतना इलम होता मैं मैडम मारता उसको। अब खुद समझदार हो, मैं उसको मारता। क्या कहते थे तुम? मैंने तो बस ऐसे ही मारी है, मेरे को क्या पता था ये हो जाएगा। अच्छा, पुलिस तो तुम्हें कहाँ से गिरफ्तार किए? ये तो हम खुद आए थे। क्यों खुद क्यों आए थे तुम लोग? बस आ गए। मीरपुर खास पे थे ना तुम लोग उस टाइम? हाँ, उस टाइम इंतकाल के बाद चले गए थे। मीरपुर खास चले गए थे ना, तो मीरपुर खास से यहाँ पर पुलिस ने बुलाया था? जी इन्होंने बुलाया था, फिर हम लोग आए। इन्होंने क्या कह के बुलाया तुम्हें? इधर आओ कोई बात करेंगे, पेश करेंगे, फिर हम लोग आए। और फिर ये जब ये तफ्तीश जब शुरू हुई फिर तुमने पुलिस वालों को क्या बताया? बस ये मैंने फिर साफ साफ बताया, भाई मेरे से ये बात हुई है, ऐसे मैंने मारा, ऐसे लग गई उसको। तुमने अपनी चाची को क्या कहा, चाचा कैसे जख्मी हुआ? चाची ने मेरे को मिली नहीं थी एक दफ़ा हॉस्पिटल। अपने बाप को तुमने क्या बताया? बाप भी मेरे को नहीं मिला। तो उसका फिर मतलब मैं यही समझू ना कि तुमने जो है अपने घर में आकर यही बोला कि वो तुम्हारा चाचा मजदूरी करते हुए छत से गिर गए? नहीं, मैंने नहीं बोला, सबको पता चल गया था मैंने मारा है, अब किसी को फिर क्या बोलूं। अच्छा। जब पता था उन लोगों को किसने मारा, सबको ये बात पता चल गई थी? सबको ही पता चला गया। तो फिर तुम्हारी चाची का साला यहाँ पर क्यों आया? तुम लोगों ने फिर उसकी एमएल क्यों नहीं कटवाई? तुम लोगों ने फिर अपने चाचा की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? मेरे को नहीं पता। चाचा की मौत से ऐसे लगा कि शायद इसकी जान बच गई, अब ना कोई शिकायत करने वाला रहा और ना ही कोई इसकी पोल खोलने वाला। लेकिन पुलिस की तफ्तीश और बरवक्त कार्रवाई इस कातिल को कानून के पिंजरे में ले आई। अच्छा, ये दोस्त तुम्हारा क्या कर रहा था वहाँ? ये बैठा हुआ था। ये क्या कर रहा था बैठ के? ये भी सिगरेट बना रहा था मेरे से। सिगरेट बना रहा था। अच्छा, ये बताओ नशे के पैसे कहाँ से लेते थे तुम लोग? अपने पैसे खर्च करते थे? अच्छा, तो ये तुम्हारा कितना पुराना दोस्त है? तीन चार साल पुराना दोस्त है। तुम ये तुम्हें नशा की आदत कब से तुम्हें पड़ी है चर्च के? दो ढाई साल हो गए। और ये तुम्हें आदत किसने डलवाई है? बस ऐसे ही लग गई। अच्छा, तो ये भी तुम्हारे साथ मिला हुआ था? नहीं। इसने क्या किया वहाँ पर? ये बैठा हुआ था, सिगरेट भरा। अच्छा, बस ये बैठ के देखता रहा, तुमने चाचा के सर पर मार वार भी दिया तब भी वहाँ बैठ के सिगरेट भरता रहा, ऐसे ही करता रहा ये? फिर इसने क्या किया तुम्हारे साथ, इसका क्या किरदार है? छुड़वा रहा था ये तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये छुड़वा रहा था? ये क्या कह के छुड़वा रहा था? छोड़ दो चाचा, चले जाओ आप भी। अच्छा, ये भी कह रहा था चाचा तुम चले जाओ? इससे तुम्हें ये नहीं बोला कि चलो भाई तुम चले जाओ? तो कोई तुम्हें कोई कत्ल की बात, कोई शर्मिंदगी, कोई पश्चिमानी है? जी है बिल्कुल। क्यों नहीं? क्या क्या शर्मिंदगी है? लग गई उसको। लग गई उसको, ये तुम्हें शर्मिंदगी है? तो ये हालत है जरा यहाँ पर कि ना कोई शर्मिंदगी ना कोई पश्चिमानी, हाँ बस लग गया तो बस लग गया। और पर उससे उसके बाद ये झूठ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जी मैंने तो किसी को ये नहीं कहा कि वो जो है छत से गिर के भी मर गए थे। हालांकि मुझे एसएसओ साहब ने यहाँ पर यही बताया है कि इसने बाद में अपना जुर्म छुपाने के लिए यही पे बयान गढ़ा कि जो है इसके चाचा छत से गिर गए, लेकिन असल कहानी जो है कुछ और ही है। यहाँ पर चाचा ने उसको थप्पड़ मारे थे जी, चाचा ने इसका गला दबाया था जी।
एक बंदे की सोहबत उसके किरदार का पता देती है। इसी तरह काशिफ जैसे चर्सी की सोहबत किसी अपने ही जैसे नशेबाज के साथ ही हो सकती थी। जैसे काशिफ का दोस्त अनीस भी चर्स के सिगरेट बनाने और पीने में इसके बराबर का हिस्सेदार था, इसी तरह चचा के साथ झगड़े और इकदाम कत्ल में इसका सहूलतकार भी साबित हुआ। तुम्हारी कितने अरसे पुरानी दोस्ती है इसके साथ? मैडम 3-4 साल हो। अच्छा, तुम उसी कारखाने में काम करते हो जहाँ पे काम करता है? नहीं मैडम। फिर तुम क्या करते? मैं कंप्यूटर कढ़ाई का, ये जैसे आपने सूट पहना है कशीदा करते। अच्छा, तुम कंप्यूटर कढ़ाई का काम करते हो? जी। तुम महीने के कितने पैसे कमा लेते हो? मैडम 18,000-20,000। इससे दोस्ती कैसे हुई तुम्हारी? मैडम बस ऐसे जैसे काम करते हैं, हम एक ही इलाके में रहते हैं, एक इनकी गली नंबर 20 है, मेरी गली नंबर 22 है। तो तुम भी नशा करते हो? जी मैडम। अच्छा, किस चीज का? मैडम सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, चरस। चरस का सिगरेट पीते हो और ये भी तुम्हारे साथ बैठ के चरस पीता है? जी। अच्छा मुझे ये बताओ अनीक, जिस दिन ये वाकया पेश आया, जिस दिन ये हादसा पेश आया, उस दिन क्या हुआ था सही से बताओ। मैडम हम बैठे हुए थे। अच्छा, क्या टाइम? हम तकरीबन 11:30 का टाइम था, रात का। जी, हम लोग बैठे हुए थे, सिगरेट हम लोग बना रहे थे, अभी पी भी नहीं थी, बना ही रहे थे। और ये नहीं कि हम कोई पहली दफ़ा वहाँ पर बैठकर पी रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं कि हम पहली दफ़ा गए थे वहाँ। वहाँ हम अक्सर एजेंसी के जाते थे, बैठते थे, क्योंकि इनके छोटे चाचा अकरम का कारखाना था वो, जिधर ये लोग रिहाइश करते थे, जिधर इनका चाचा जो फोत हो गए वो भी उधर रिहाइश करते थे। और उन्होंने भी हमें कोई पहली दफ़ा नहीं देखा था कि यार हम चरस पी रहे हैं। उन्होंने भी हमें 3-4 बार 6 बार 7 बार उसने हमें पहले भी देखा था, लेकिन उस टाइम उसने हमसे कोई बात भी नहीं की। उस टाइम उसने हमसे कोई बात भी नहीं की, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ उसको। उस टाइम हम बना रहे थे सिगरेट, तो अंदर बरामदा अंदर जाने की जगह है वहाँ पर जहाँ ये लोग सोते हैं, बाहर ऐसी कच्ची सी जगह, वहाँ सोफा ऐसे रखा हुआ है, हम उधर बैठे हुए थे, बहुत फासला था। वो उठा सोता सोता, खुद ही उठा, वो वॉशरूम गया, वॉशरूम जाने के बाद वापसी आया, काशिफ को बोलता है अभी इधर नहीं बैठो, तुम चले जाओ इधर से। फिर काशिफ ने बोला चाचा हम लोग अभी बस जा रहे हैं, थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठेंगे फिर हम लोग चले जाएंगे। लेकिन वो चाचा नहीं मान रहा था, चाचा इनको फिर मेरे से कोई बात नहीं की, सिर्फ इसी से ही वो बोल रहा था। तो इसको बोला अभी जाओ तुम, उसने बोला चाचा 5-10 मिनट बैठ जाते हैं फिर हम लोग चले जाएँगे। तो चाचा नहीं मान रहा था, चाचा बोला बस तुम अभी जाओ। तो इन्होंने बोला अभी हम चले जाएंगे, तुम हमें तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं दी है, हमको यहाँ शोर शराबा तो नहीं कर रहे, हम खाली आराम से बैठे हैं इधर। और उस टाइम पे हम सिर्फ दो मौजूद थे, एक ये एरिक में और एक उनका चाचा, हम तीन शख्स उस जगह पर मौजूद थे, दो अंदर और सोए हुए थे। दो अंदर लोग और कौन थे? वो इन्हीं के कज़न थे। जो इन्हीं के कज़न थे? जी। तो वो नहीं माना, वो फिर भी यानी कि इसको गाली गलौज करता रहा, मारा पीटा भी, चप्पल शप्पल भी मारी, डंडियां भी मारी इसको। हाँ। लेकिन ये तो तुमने इसको बोला नहीं चलो यार चाचा इतना कह रहे तो चले ही जाते? मैडम हमने इसको यही बोला, हमने कहा चाचा सिर्फ ये बन जाए। हाँ। हम पिएंगे नहीं, सिर्फ हमें बनाने दो, हम बाहर जाकर पी लेंगे, हम चले जाएंगे, हमने उसको इतना भी बोला, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। अनीक और काशिफ के बयानात में तजाद तो वाज़े मौजूद है, जैसे काशिफ खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह अनीक भी इस कत्ल की वारदात से खुद को बचाना चाहता है और इसी कोशिश में इन दोनों के झूठ का पोल खुल रहा है। तो वो शोर शराबे की आवाज़ सुन के वो लोग उठे नहीं? मैडम शोर शराबा हुआ नहीं, वो इस तरह नहीं। बकौल काशिफ के कि उससे उसको थप्पड़े मारी, जी जी, गालियां दी, डंडियां मारी, तो कोई शोर शराबा नहीं हुआ? यानी कि वो काफी फासला है, मैंने आपको पहले बताया। अच्छा। जी हम बहुत पीछे बैठे थे। अच्छा। और वो काफी फासला था, लेकिन इस तरह भी गाली गलौज नहीं कर रहे थे, ये काशिफ नहीं माना, हमने उसको बहुत समझाया। ये दोनों आपस में लड़ने लगे, मैंने उन दोनों को छुड़वा दिया, मैंने काशिफ को भी बोला, उसको भी बोला, मैंने बोला चाचा हम लोग जा रहे हैं, तो टेंशन नहीं ले, हम लोग बस जा रहे हैं, तुम लड़ रहे हो ना यार, हम जाते हैं, लड़ाई से बेहतर हम चले जाते हैं। तुम्हारे दोस्त से तो एक दफा भी बीच में ये बात नहीं बोली कि तुम बीच में आए उनको छुड़वाने के लिए? मैडम अब ये तो ये मेरे को शायद बीच में रगड़ना चाहता हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। काशिफ अभी मैं जब तुमसे बात कर रही थी, अभी तुम्हारे दोस्त ने मुझे ये बताया कि अंदर तुम्हारे दो कजन और भी सो रहे थे, तुमने तो मुझे ये बात नहीं बताई। जी वहाँ पे कोई नहीं और सो रहा, और कोई नहीं सो रहा, चाचू था और दो हम थे। दो हम थे। अच्छा अनीक ये तो कह रहा है कि वहाँ पर तो सिर्फ तुम दोनों उसका चाचा मौजूद थे, तुम ये कह रहे हो उसके दो कजन और भी वहाँ पर थे? मैडम वहाँ चरपाइयाँ बिछी हुई थी, तीन चरपाइयाँ थी, वहाँ पर एक चाचा था जो फोत हो चुके हैं, बाकी दो चरपाइयाँ और भी बिछी हुई थी। अब मैं गारंटी ये नहीं कह सकता कि वो कज़न ही थे इनके, क्योंकि उन्होंने भी चादर ओढ़ी हुई थी। वो ऐसे मुझे महसूस हुआ क्योंकि हम बाहर बैठे हुए थे, हम अंदर गए ही नहीं थे,
इसलिए मुझे ऐसे मैं अपने आप को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि दो शख्स और भी थे अंदर। अच्छा। एनी शाहिद के तौर पर अनीक का बयान बहुत अहम है, लेकिन शायद अनीक इसकी अहमियत से वाकिफ नहीं। कभी कभी काशिफ के खिलाफ बयान देता है तो कभी उसकी तरफदारी करने लगता है। यह सच है कि कुछ हकायक तो काशिफ ने छुपा लिए थे, पर उन पर से पर्दा अनीक ने उठाया है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा सच बताने से एतराज बरत रहा है। चाचा ने उसको थप्पड़ मारे थे? जी। चाचा ने इसका गला दबाया था? जी। किस बात पे दबाया था? इसी बात पर कि तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर इसने मैंने जब छुड़वा दिया, जिनका आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा, मैंने एक बार इनको छुड़वा दिया। छुड़वाने के बाद मैंने चाचा को बोला, मैंने उसको भी बोला, मैंने बोला यार लड़ाई झगड़े से अच्छा हम लोग चले जाते हैं, बस बाहर निकल जाएंगे। मैंने इनको छुड़वा कर, मैं माचिस पड़ा हुआ था सोफे पर, मैं वो उठाने के लिए गया, मैंने बोला उठा कर बस बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर पी लेंगे। मैं जैसे माचिस उठाने के लिए गया, इन लोगों की फिर आपस में फिर दोबारा लड़ाई हो गई। जब दोबारा लड़ाई हुई तो चाचा के मारने से पहले इन्होंने उसको सर पर डंडा मार दिया। और इसे कितनी जोर का मारा था? मैंने ऐसे करके इन्होंने पकड़ा हुआ था और यूं करके मारा। अच्छा जी। जोर से मारा होगा? कुछ कह नहीं सकता मैडम, कह नहीं सकते। काशिफ ने न सिर्फ कानून से इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की, बल्कि शुरू से ही अपने खानदान तक को इस हकीकत से नावाकिफ रखा। जख्मी चाचा को जब अस्पताल लेके जाया गया तो वहाँ भी जख्म की वजह ईंट का ब्लॉक गिंडे को बताया, ताकि कानून की गिरफ्त से बचा जा सके। उसके बाद क्या हुआ? बस मैडम, फिर मैंने शोर शराबा किया। तुमने किया? मैंने किया। तुमने क्या कहा? मैंने कहा ऐसे ही, मैंने कहा लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई आपस में, काशिफ की और इसकी लड़ाई हो गई। इनके कजन आ गए। वो कहाँ से आए? वो बाहर थे। बाहर कहाँ? कारखाने के बाहर। अच्छा जी। वो बाहर आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या हुआ। मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा यार इन दोनों की आपस में से लड़ाई हुई है तो काशिफ ने इसको सर पर मारा भाई इस वजह से। फिर वही कजन जिनको मैंने बताया, वही कज़न लोग आज़म मेडिकल पर गए उनको लेकर। वहाँ पर इन लोगों ने ये लिखवाया कि भई वॉशरूम गए वहाँ पर, यानी कि इनका वॉशरूम ऐसे ही है जैसे टूटा फूटा सा होता है ना, इस तरह गए। तो भई वहाँ पर वॉशरूम गए और वहाँ से ब्लॉक गिरा। जिना हॉस्पिटल गए, उधर भी उसकी पर्ची पे और उनकी रिपोर्ट पर यही लिखा हुआ है कि इसके सर पर ब्लॉक गिरा। तुमने तो नहीं बताया कि उनके सर पर ब्लॉक लगा या कुछ एमएल में ये लिखवाया, ना तुमने ये बताया कि ना वो आजम मेडिकल सेंटर गए थे। तो पहले ये बताओ कि चाचा तुम्हारा था या इसका था? मेरा था। तुम्हारा था, तो तुमने अभी बात ये वाली क्यों नहीं बताई कि ये वाला बयान तुम लोगों ने लिखवाया है कि चाचा के सर पे वॉशरूम में जो है ब्लॉक गिर गया? हम दोनों ने उन लोगों को मैडम बोला था क्या के इसको लगी नहीं है। तो इसका बयान तो अलग है, लेकिन मरकजी मुलजिम तो तुमने क्यों नहीं बताई अभी ये वाली बात? क्या बताऊं? अनीक तुम बताओ। जी मैडम। हाँ, होश में थे वो? कौन? जी चाचा होश में थे। होश में थे जी, होश में थे। अच्छा, ये तमाम मामला जानने के बाद इसके घर वालों ने क्या कहा? किससे? ये अपने मतलब इसके जो वालिद थे, वालदा थी, इन्होंने फिर क्या कहा तमाम मामला जानने के बाद? मुझसे नहीं, मतलब इनसे या तुमसे, उनको जब पता चला तो उनका आगे से क्या रिएक्शन? नहीं, ये बात ही कोई बात मेरे से इनकी ना वालिद की कोई बात हुई ना इनकी वालदा की कोई बात हुई, क्योंकि वो इधर रहते नहीं। लेकिन दोस्ती का दावा करने वाले काशिफ और अनीक अपनी जान बचाने के लिए अपने ही दोस्त का पोल खोल रहे हैं। कभी बयान देते हैं, कभी मुकर जाते हैं। अनीक ने कोशिश तो की सच बोलने की, लेकिन जहां पर खुद पर बात आई फौरन ही अपने बयान से मुकर गया। अच्छा, फिर ये मामला सारा खुला किस तरीके से? जिसको मैंने बताया। हाँ। जो इनके कजन थे उसने अपनी, यानी कि जो इनकी चाची थी उनको बताया। तो गया। क्या उनको बताना नहीं बनता था? जब मैडम मैंने तो उनको सच बताया ना, अगर मेरे दिल में होता तो मैं उनको सच ही नहीं बताता। क्या हुआ? उनको चाची ने चाची को बताया होगा भाई इस तरह इनकी लड़ाई हुई है और भाई काशिफ ने इसके सर पर डंडा मारा है, इस तरह ये बात चाची को पता चली। फिर उन्होंने अपने भाई को बताया कि भाई जहाँ तक मेरा शक है उनके, यानी कि वो ऐसे नहीं हुए भाई, उनकी यानी कि डेथ इस तरह हुई है, लड़ाई से हुई है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ अनीक, तुम्हारा जो बयान है और इसका जो बयान है, इस पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी जब तुम बात सुन रहे थे, जब ये मुझसे बात कर रहा था, तुम मुझे बताओ इससे कौन कौन सी जगहों पर इसने झूठ बोला है? बस इन्होंने मेडिकल का नहीं बताया, और यानी कि इन्होंने अपने कज़न का नहीं बताया कि भाई जो मेडिकल लेकर गए, जिन्होंने पर्ची बनवाई ब्लॉक गिरने की,
ये वो नहीं बताया, ये नहीं बताया। काशिफ ने खुद को बचाने के लिए जितने झूठ गड़े थे आहिस्ता आहिस्ता इनका पोल खुलता जा रहा था और चचा को जालिम कहने वाला खुद सफाक और दरिंदा साबित होता जा रहा था। तो ये यहाँ पे पूरी कहानी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की बात में कितना ज्यादा तजाद मौजूद है, दोनों की बात में कितनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। जो मरकजी मुल्ज़िम है काशिफ, जिसने अपने सगे चचा को कत्ल किया है, वो अभी भी जो है अपने कत्ल को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोल रहा है और बहुत हद तक जो है इसके बयानात पे जो है एक बड़ी वाजिह जो है तब्दीली जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ। और मरकजी मुल्ज़िम जो है काशिफ, वो अभी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर मुस्तकिल अपने बयान पे बयान बदल रहा है, लेकिन जो इसका दोस्त है अनीक, जो कि इस तमाम तर वाक़े का ऐनी शाहिद भी है, उसने इस कहानी को एक और रुख में हमारे सामने पेश किया है। तो अभी हम जाएंगे उस कारखाने की तरफ जहाँ पर ये कत्ल हुआ है और अहले मोहल्ला से भी जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। उसने वहाँ से डंडा उठाया और उसने उसके सर पर मारा है। अभी मेरे साथ यहाँ पर इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इब्राहिम साहब भी मौजूद है। ये सारा वकूआ कैसे पेश आया था ये अभी मैं यहाँ पर इनसे जानती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा एग्जैक्टली क्या ये वही जगह है जहाँ पर ये कत्ल हुआ था? जी जी, ये वही जगह है जहाँ पर ये ऑफेंस हुआ है। उसमें ये जो है 21/7/2018 का वकूआ है। उसमें जो है मुतवफ़ी मोहम्मद अशरफ जो है वो इस चारपाई के ऊपर जो है सोया हुआ था। अच्छा। तो वो जो है वॉशरूम के लिए यहाँ से उठ के गया है। वो अगर आप दिखा सकें तो वो कोने पे वॉशरूम है। अच्छा। तो वहाँ वो गया है, ये सोफ़ा पड़ा हुआ है जी। इस सोफ़े पे बैठ के जो है मोहम्मद काशिफ और उसका दोस्त जो है उस्मान, उसका असल नाम तो अनीक है, तो ये दोनों यहाँ पर जो है चर्स पी रहे थे। अच्छा। तो वॉशरूम से वापस आया, वापस आने के बाद उसने उनको मना किया। अच्छा। कि तुम लोग यहाँ से जाओ। ठीक है, फिर जब उसने उनको मना किया तो उन लोगों के आपस में तल्ख कलामी हुई। अच्छा। जब तल्ख कलामी हुई पूरी जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था वो इसी मुकाम पे चल रहा था जहाँ पर ये सोफा भी मौजूद है। इस जगह ये जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा था इनका। तो जब इनकी तल्ख कलामी हुई तो जो उस्मान जो है उसने जो है बीच बचाव कराने की कोशिश की। इसी दौरान जो है काशिफ ने जो है यहाँ से डंडा उठाया। ठीक है। वो डंडा उठा के जो है उस्मान जो है वो पलटा है कि मकसद जो है मैंने बीच बचाव करा दिया, उसको नहीं पता था कि उसने इतने में डंडा उठा लिया। उसने वहाँ से डंडा उठाया और उसने उसके सर पे मारा है, अपने चचा के सर पे। तो जैसे उसको डंडा लगा उसके कंधे पर रुमाल था, तो उसने वो रुमाल फौरी तौर पर अपने जो है उल्टी साइड के ऊपर, हाँ डंडा लगा था वो यहीं बैठ गया। तो शोर शराबा हुआ, फिर शोर शराबा की आवाज़ सुनकर जो उसके कज़न वगैरह जिसमें फैज़ान था और उसका छोटा भाई आसिफ था मुल्ज़िम का और महल्ले के लोग थे वो आ गए। और आने के बाद जो है जब उन्होंने सूरत हाल देखी तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है उसको उठाया है और उठाने के बाद मोटरसाइकिल थी। अच्छा सर, ये मुल्ज़िमान जो है इसके सारे रिश्तेदार घर वाले भाई बहन ये सारे इस टाइम कहाँ पर हैं, क्या सारे मफरूर हैं? जी सारे जो है इसके वाले जो है वो मीरपुर खास के हैं रिहायशी, और ये अकरम का कारखाना है। अच्छा। ये इसका छोटा चचा है। अच्छा। अकरम ये भी मौजूद नहीं है। ये सारे जो है इस वक्त जो है फरार हो गए, और क्योंकि इन्होंने जो है पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया और इन्होंने जो मुतवफ़ी के जो कपड़े थे वो भी ज़ाया कर दिए। अच्छा। जो भी शवाहद थे ये इन्होंने अहम शवाहद जो है ये ज़ाया कर दिए। अच्छा सर, डंडा आप लोगों ने कहाँ से बरामद किया जो कि आके कत्ल है? डंडा जो है, अच्छा जी, मतलब आप ये देख सकते हैं ये बेसिकली एक कारखाना है और यहाँ पे दो चार पाइयाँ बिछा कर इसको एक यहाँ पर शक्ल दी गई है। सर डंडा मैं पूछी थी आपसे जो आला कत्ल है वो कहाँ से मिला था? वो इन्होंने यहाँ छुपाया था आला कत्ल। तो जब हम उसको जो है लेकर आए हैं बरामदगी के लिए तो पहले तो उसने इधर उधर कहा कि भाई मैं डंडा तलाश कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसको जब कहा कि शराफत से डंडा दे दे तो फिर वो जो है यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद उसने जो है वो डंडा हमारे को निकाल के दिया और खून नहीं है उसके ऊपर लगा हुआ, लेकिन वो इन्होंने यहाँ छुपा दिया था क्योंकि आप देख सकती हैं कि लकड़ियाँ वगैरह वहाँ पड़ी हैं सारी।
यहाँ कोई डंडा नहीं है, तो यहाँ सिर्फ जो है उसने डंडा ये रखा हुआ था, ये रंधे का जो है अड्डा है, यहाँ पर जो है रंधा वगैरह लगाया जाता है। ये है वो जगह एग्जैक्टली जो है उस मुकाम पर जो कि अभी हमने आपको दिखाया था, वहाँ पर जो है ये कत्ल किया गया था। और वजह जो है वही बताई गई है यहाँ पर के चूँकि मुलजमान जो है वो नशे के आदि हैं और उनके चचा ने उनको एक नशे वाली सिगरेट पीने से मना किया था जो कि उनकी मौत की वजह बन गई। अदम बर्दाश्त के रवैये की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लोगों में बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है और यही वजह है कि अब हमारे माशरे में ऐसे जरायम होने लगे हैं जिनके बारे में पहले सोचना या तस्वर करना भी मुहाल था। आज के प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतल ऐन हाशमी को टीम अंजाम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।